आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल में राउंड फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं। जैसा कि अभी आप यहां देख रहे हैं, मैंने 10 लोगों का सैलरी का डमी डाटा लिया है, जिसमें मैंने यहां पे उनका पीएफ कैलकुलेट किया है और जो ऑटो फंक्शन से कैलकुलेट किया और जो मैनुअल कैलकुलेट किया, दोनों में आप देखेंगे तो 3.7 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि जब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है। अगर मैं 1 से लेकर 10 तक देखूं तो सारी वैल्यू बिल्कुल सेम दिख रही है, बट उसके बाद भी आप यहां देखेंगे कि 3.7 रुपीज का यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये डिफरेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे अपियर हो रही है ये बिना डेसिमल के है। जब मैं इसमें डेसिमल अपियर कराता हूँ तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है दोनों में यहाँ पे डिफरेंस है, जिसका फर्क ये आ रहा है। और इसी डिफरेंस को नेगोशिएट करने के लिए हम लोग राउंड या राउंड अप, राउंड डाउन या एम राउंड के फंक्शन को यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं कि राउंड फंक्शन को हम एमएस एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राउंड फंक्शन बताऊंगा। राउंड फंक्शन के लिए आपको यूज करना है इज इक्वल टू राउंड, उसके बाद वो नंबर जिसको आपने राउंड में कन्वर्ट करना है। सपोज मैं इसको राउंड में कन्वर्ट करता हूं, नेक्स्ट सिंटेक्स इसमें आता है नंबर डिजिट। नंबर डिजिट मतलब कितने डिजिट तक आप उसको लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 0। इसमें 0 क्या है, इसको समझने के लिए आप नीचे दी हुई पिक्चर को देखिए। 0 का मतलब है कि हम इकाई तक का अंक लेंगे, मतलब इकाई के अंक पे ये राउंड करेगा। अगर कोई वैल्यू 0.5 से ऊपर जाती है तो उसको वो नेक्स्ट नंबर में काउंट कर लेगा। सपोज 1.51 कोई वैल्यू है तो अगर हम 0 लिखते हैं तो उसको 2 यहाँ पे काउंट करेगा, और अगर इसको मैं -1 कर देता हूं तो वो दहाई के अंक पे राउंड करेगा। मतलब अगर 5 से ऊपर कोई वैल्यू जाती है तो वो 10 उसको दिखाएगा। इसी तरीके से -3 का मतलब है 1000 पे राउंड करेगा। मैं इनको भी आपको लगा के दिखाऊंगा। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जब मैं इसमें डेसिमल पॉइंट इंक्रीज करता हूं तो ये 0 0 दिखाता है, जबकि यहां इसमें डेसिमल पॉइंट है। इसी तरीके से मैं सभी में डेसिमल पॉइंट यहां पे अपीयर करा देता हूं। इसी तरीके से मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि जब हम इसको दहाई के अंक पे लगाते हैं तो क्या यहां पे डाटा आता है। इज इक्वल टू राउंड, वैल्यू मैं ये ले रहा हूं, कॉमा -1। अभी हमने 0 लगाया था, अब मैं -1 लगा के आपको दिखाता हूं। -1 में इसने इसको दहाई के अंक पे राउंड किया है, मतलब यहाँ पे 2392 आना चाहिए था। अगर मैं इसको 0 लगाता हूं तो आप देखिए कि ये 2392 था, लेकिन जब हमने इसको -1 किया तो ये 2390 हो गया। इसी तरीके से जब मैं इसको -2 करूंगा तो 2400 हो जाएगा, सैकड़े पे इसको राउंड करेगा। और इसी तरीके से इसको -3 करूंगा तो ये 2000 हो जाएगा, मतलब 1000 पे इसने इसको राउंड किया है। -4 करता हूं तो 0 दिखाएगा क्योंकि वैल्यू बहुत कम है, जो 10000 में उसने राउंड करना था उससे ये कम है। मतलब 5000 से ऊपर जब रहेगी तब जाके यहां पे 10000 दिखाएगा, मिनिमम वैल्यू 10000 दिखाएगा। अगर सपोज मैं इसको 5001 कर दूं तो ये 10000 वैल्यू दिखाएगा मिनिमम। तो मैं 0 के साथ इसको राउंड कर रहा हूं और यहां पे इसका टोटल लेता हूं और साथ में इसका डिफरेंस चेक करते हैं। अब आप डिफरेंस देखेंगे, यहां पे 0 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से अब हम राउंड का नेक्स्ट फंक्शन यूज करके देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है राउंड अप इज इक्वल टू राउंड अप, और राउंड अप के बाद पहला सिंटैक्स है नंबर, किस नंबर को राउंड अप करना है। नेक्स्ट है नंबर डिजिट। नंबर डिजिट का जो सिंटैक्स है वो राउंड की तरह यहां पे भी सेम रहेगा, लेकिन राउंड अप जब हम फंक्शन यूज करेंगे तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको अप कर देगा। सपोज यहां पे 2258.01 होगा तो उसको 2259 ये कर देगा। 0 के साथ ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको 2259 कर दिया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर ये 22.58.01 होता तब भी यहाँ पे 09 ही दिखाता, क्योंकि ये राउंड अप कर रहा है। राउंड अप मतलब इसमें जो भी वैल्यू राउंड ऑफ करेगा उसमें अप का फंक्शन यूज करेगा, नेक्स्ट वैल्यू जो उसके राउंड ऑफ में आएगी वहां तक लेके जाएगा।
इसी तरीके से मैं आपको इसमें माइनस वन करके दिखाता हूं, क्योंकि 58 यहां पे था तो इसने 60 कर दिया। जब मैं माइनस टू करूंगा तो ये 2300 कर रहा है, माइनस थ्री करता हूं तो 3000, इसको राउंड अप करता जाएगा। माइनस फोर करूंगा तो 10000, और इसी को हमें ड्रैग करना है तो मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूं, इसका टोटल और साथ में इसका डिफरेंस। डिफरेंस यहां पे जीरो आ रहा है क्योंकि जो भी वैल्यू हमने यहां ले रखी है वो जब हम राउंड करते हैं तब और जब राउंड अप करते हैं दोनों केस में सेम वैल्यू बनती है, इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस सेम दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि एमएस एक्सेल में राउंड डाउन फंक्शन कैसे यूज करते हैं। राउंड डाउन फंक्शन जब भी हम एमएस एक्सेल में यूज करेंगे तो एमएस एक्सेल जो भी सिंटेक्स हम उसमें देते हैं उसके हिसाब से उस वैल्यू को राउंड ऑफ करके उसकी जो नियरेस्ट नीचे वाली वैल्यू है वहां लेके जाएगा। राउंड डाउन फंक्शन यूज करने के लिए आपको यूज करना है इज इक्वल टू राउंड डाउन द नंबर, नंबर में हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा नंबर डिजिट। यहां पर भी राउंड फंक्शन की तरह सेम रहेगा। मैं यहां पे जीरो पुट करके आपको दिखाता हूं तो आप देखेंगे जो वैल्यू यहां पे 22,58.64 थी वो यहां पे 22,58.00 होगी, मतलब जो वैल्यू थी इसने उसको डाउन किया है। इसी तरीके से यहां पे अगर मैं माइनस वन कर देता हूं तो ये 2.5 तक इसको डाउन कर देगा, और इसको ड्रैग करके आप जहां तक अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एम राउंड। एम राउंड फंक्शन यूज करने के लिए आपको यूज करना है इज इक्वल टू एम राउंड, एम राउंड के बाद नंबर, नंबर को किसके मल्टीपल में आप रखना चाहते हैं उसके लिए हम लोग एम राउंड यूज करते हैं। एम राउंड का मतलब है राउंड ऑफ, वो भी मल्टीपल में, जो भी वैल्यू आप वहां पे डालेंगे उसके मल्टीपल में ये आपको राउंड ऑफ करके देगा। सपोज आप चाहते हैं कि जो भी वैल्यू मैं यहां डाल रहा हूं वो सारी संख्याएं सम हो, सम मतलब जो दो से डिवाइड हो सकती हैं, तो आप यहां पे मल्टीपल में दो लिख देंगे। तो अब जो भी वैल्यू यहां पे आएगी वो इस वैल्यू के नियरेस्ट होगी और दो से डिवाइड होने वाली होगी, क्योंकि 2258 अपने आप में दो से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए ये 2258 ही दिखा रहा है। अगर मैं यहां पे इसको 5 कर दूं तो आप देखेंगे कि 2260 हो गया है। तो अब ये जो वैल्यू बनी है ये 5 से डिवाइड होने वाली है। इस फंक्शन को आप वहां पे यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज आप कुछ सेल करते हैं और जो भी आप सेल करते हैं उसके लिए आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कुछ डिफाइंड है। सपोज आपकी जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो 25 की है, तो आप ये चाहते हैं कि जो भी वैल्यू निकल के आए वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के मल्टीपल में ही निकल गया है, तो उसके लिए आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 25 डाल रहा हूं तो अब जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो 25 के मल्टीपल में रहेगी और जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की है उसके राउंड ऑफ में रहेगी। तो एक बहुत अच्छा फंक्शन है एम राउंड, आप इसमें किसी के मल्टीपल में भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि 100 के मल्टीपल में निकल गए तो जो भी वैल्यू यहां पे आएगी वो 100 के मल्टीपल में आएगी। आज की इस वीडियो में आपने समझा कि एमएस एक्सेल में राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें यूज कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरीके का कंटेंट मैं अपने इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अगर आप मेरी इन वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। मैं आपको मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।